शुक्रवार की रात करीब 10:31 पर उत्तर भारत के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान रहा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। देश में दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके आए, लेकिन इसमें तत्काल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर लोगों में दहशत फैल गई। गाजियाबाद के वैशाली और वसुंधरा और अन्य इलाकों में भूकंप के डर से लोग घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी भूकंप का भय देखा गया। आइए हम आपको बताते हैं कि अगर भूकंप आता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। भूकंप के वक्त अगर आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर सर और चेहरे को ढक ले। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें। झटके रुकने के बाद ही घर से बाहर निकलें। घर के सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढक लें। मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहें, चिल्लाते रहें, हिम्मत ना हारें ताकि मदद जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।